वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अनमोल विचार चैनल विच तुहाडा स्वागत है। सब तो पहला अपने चैनल नू सबसक्राइब कर दो ते जेकर वीडियो वधिया लगेगी ते इसनू लाइक ते शेयर जरूर कर देना अते एक सारयां दे अगे हाथ जोड़ के बेनती है कि वीडियो नू अंत तक जरूर देखिया करो। ते आओ अज दी वीडियो शुरू कर दे। एक गल हमेशा याद रखो कि कोई भी चीज जां जानकारी एक बार साडे अंदर चलेगी ते ओह अपना असर जरूर दिखाउंदी है। फिर तुसीं लख उसनू रोकण दा यतन कर लो पर ओह अपना काम जरूर करेगी। ओह चीज जां जानकारी चंगी भी हो सकदी है अते माड़ी भी। जिवें मान लो कि आप अपने शरीर की भुख मिटाउण दे लई कोई भोजन खाने हैं, जिवें दा भोजन खावांगे उसे तरह की ऊर्जा साडे शरीर नूं मिलेगी। जिहड़े पौष्टिक भोजन खांदे आ उह तंदरुस्त रहिंदे आ अते जो सिर्फ अपनी जीभ दा स्वाद देखदे आ भाव कि तेज मिर्च मसाले खांदे आ ते उह अक्सर बीमार रहिंदे आ। कहिण तों भाव कि अपने ते ही निर्भर आ कि असीं अपने शरीर नूं की खुराक दे रहे हां। इह सिर्फ अपने सिर ते आ कि आपां अपने शरीर नूं किवें दी खुराक दिंदे आ। उसे ही तरह साडा मन है, जो असीं अपने मन नूं खुराक दिंदे आ उही साडी मानसिकता बनदी है, साडे मन दे ते असर हुंदा है। ते मन दी खुराक की है? जो भी असीं पढ़दे आ सुणदे हां उही साडे मन उत्ते असर करदा है। जे असीं चंगी जानकारी अंदर लै के जावांगे तां उस दा नतीजा भी चंगा होवेगा, जे माड़ी जानकारी इकट्ठी करांगे तो उसका असर भी माड़ा ही होना। यह चंगी या माड़ी जानकारी सानू मिलदी कित्थों आ? यह मिलदी है सानू साडी संगत तों। सियाणियां दे मूहों यह गल तां अक्सर ही सुनी होवेगी कि जिहो जिही संगत उहो जिही रंगत। संगत ते रंगत दे कई तरह दे कहावतां मुहावरे बणे आ ते इह गल बिलकुल सच भी आ कि साडी जिद्दां दी संगत हुंदी है उसे ही तरह की साडे अंदर मत आउंदी है, क्योंकि जिहो जिहे मनुख इकट्ठे बैठ के गल्लां करनगे उही असर होवेगा। जिवें गुरमुख बैठे होण उह हमेशा गुरु की गल करदे आ, ते जे साडे वर्गे मनमुख इकट्ठे हो के बैठे होण तो लोगों की निंदा चुगली किसी ते बिना वजह अपने फैसले थोपना अपने आप नूं ज्यादा सियाणा दसना मनमुखा दीआं कई तरह दीआं निशानियां हुंदीआं ने। तुसीं नौजवानां दी ही गल लै लो कि जो बच्चे समझदार हुंदे ने उह आप भी सियाणी गल करदे आ, ते जे उहनां दे कोल कोई आवेगा तो उहनां नूं भी मत सियाणी ही देणगे कि आपां इदां करिए उदां करिए। ते दूजे पासे माड़ी मत वाले उह आप तां गलत संगत दे विच पै के गलत काम करदे ही है, ते जो उहनां दे कोल आउंदा है उहनां ने उस नूं गलत करन दी ही सलाह देनी है। कहिंदे सब तों वड्डा पुन अते भला इह हुंदा है कि किसी नूं चंगी सलाह देनी, पर कई बार कई मनुख चंगी जानकारी जां चंगी सलाह लैनी ही नहीं चाहुंदे, क्योंकि उसे हालातां विच उसे स्थिति विच ही रहना चाहुंदे आ। इदां ही कहिंदे इक वार इक महापुरख जी अपने कुछ चेलियां दे नाल इक पिंड विच गए। उत्थे पिंड दे लोकां दी अपनी वक्खरी ही विचारधारा सी, अपनी अलग ही दुनिया वसाई सी, वहम भरम जादू टूने होर अजीबो गरीब गल्लां। उन्हां नूं जे कोई उन्हां तों बाहर कढ़न दी कोशिश भी करदा तो किसे दी गल ना सुणदे। हुण महापुरख जी उस पिंड विच पहुंचे ते जदों पिंड वासियां नूं इस गल दा पता लगा कि साडे पिंड दे विच कोई साधु महापुरख आए ने, तो उन्हां ने सारे पिंड वासियां ने मिल के सलाह कीती कि उस साधु दे आपां ते भी नहीं लगना, जे किते चान चक अपने सामणों कितों मिल भी जावे तां पासा वट लैणा ते भुल के भी उस साधु दीआं गल्लां नूं अपने कन्नां विच नहीं पैण देणा। अपने बच्चों ने भी यह गल चंगी तरह समझा दी। उधर मेरे वाहिगुरु जी ने महापुरखां जी नूं इन्हां दा सुधार करन लई ही भेजिया सी। महापुरख जी भी पिंड दे बाहर संघने रुखां दे विच अपना डेरा लाया होया सी, सारा दिन अपने वाहिगुरु जी दा नाम जपदे सिमरन अभ्यास करदे। संत जी ना तां आप पिंड विच जांदे अते ना ही अपने चेलियां नूं जाण दित्ता, चेले नाल दे पिंड तों ही कुछ खाण दी समगरी लै आउंदे ते इसे तरह कई दिन बीत गए। एक दिन उस पिंड दे कुछ बच्चे खेडदे खेडदे महापुरखां दे कोल आ पहुंचे। बच्चे तां बच्चे आ, घरदियां ने तो रोकिया सी कि संत कोल जाना नहीं कि उन्हां दी कोई गल भी नहीं सुननी, पर वह बच्चे संत जी कोल आ पहुंचे। संत जी ने उन्हां नूं पानी पिलाया, कुछ फल दिते खाण नूं अते गल्लां कीतियां। बच्चियां नूं संत महापुरखां दी संगत वधिया लगी। हुण उह बच्चे रोजाना खेडण दे बहाने संत जी कोल आ पहुंचदे, संत जी दीआं गल्लां सुणदे। ज्यों-ज्यों संत जी दीआं गल्लां सुणदे उहनां दे उत्ते असर होणा शुरू हो गया, हिरदा परिवर्तन होण लगा। ते तुसीं देखणा जदों साडे अंदर वी कोई गल दा परिवर्तन हुंदा है तां साडे रंग ढंग साडी रहिणी बहिणी तों पता लग जांदा है। आपां कहि दिंदे आ ना कि इस बंदे दा तां रंग ढंग चाल चलण ही बदल गया है। हुण बच्चे जदों भी संत जी कोल आउंदे जो भी सुणदे जा के बाकी साथियां नूं वी उह सब कुछ दसदे। हुण हौली हौली घरदिआं नूं इहनां दे उत्ते शक होण लगा, इहनां दे बदले रंग ढंग देख के। एक दिन उहनां ने पिछा कीता ते उहनां नूं पता चलिआ कि इह तां संत जी दे कोल जांदे आ। हुण सारिआं ने सलाह कीती कि आपां उस संत नूं मार कुट के इस पिंड विचों बाहर कढ देणा है, अते सारे पिंड वासी इकट्ठे हो के संत जी दे कोल पहुंचे। आ के संत जी नूं कहा, आ के बड़े ही गुस्से दे विच संत जी नूं कहा कि तुसीं साडे बच्चे विगाड़ दित्ते हन, तुसीं इत्थों चले जाओ। संत जी ने कौड़े बोल सुन के अपनियां अक्खां खोलियां अते मुस्कुराउंदे हुए निम्रता नाल भिज के अपने मुख विचों जो शब्द कढे, की गल हो गई भगतो, साडे कोलों की गुस्ताखी हो गई? तो पिंड वासी
संत जी का निम्रता भरिया चेहरा देख के उन्होंने निम्रता भरे बोल सुन के कुछ बोल ही ना सके। इत्थे तां सारे सलाह करके आए सी कि मार कुट के संत नूं पिंड विचों बाहर कढ देना है। इत्थे आ के संत जी दे ही हो गए। तो इस कहानी तो सानू भी यही सिक्ख्या मिलती है कि साढ़े कन्ना राही अखा राही या मूँह राही जो भी साढ़े अंदर जाता है उसका असर जरूर होता है। ये अपने ते डिपेंड है कि आप चंगी गल सुनते हैं या माड़ी। इसलिए हमेशा चंगा पढ़ो चंगा सुनो। तो मेरे धन धन पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की मिठी और निघी बाणी नालों चंगा अते वधिया की हो सकता है। आओ गुरु ग्रंथ साहब जी दे लड़ लगीए, रोजाना गुरबाणी पढ़िए सुनीए अते विचारीए अते अपना शहर दा शुद्ध करिए। जेकर यह वीडियो वधिया लगी हुई तो इसनों लाइक अते शेयर जरूर कर देना ते अपने चैनल नू सबसक्राइब करना ना भुलना। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।